then we have the new topic that is poster. Now, posters हम कहाँ पे देखते हैं? Publicly देखते हैं, public place पे जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हम posters देखते हैं. And generally they are used for public invitations या कुछ announcement करना होता है उसके लिए. अगर हम कुछ event organize कर रहे हैं, so they are used for that. Posters and placards displayed in the public places, announcing or advertising something. Posters are notice, advertisement and invitation all in one. And that explain you कि posters किस लिए होते हैं? Publicly हमें कुछ announcement करना है, हमको कोई publicly invitation देना है उसके लिए होता है. And the next thing is posters are notice, advertisement and invitation. Notice क्या होते हैं? हम short 50 words में लिखा जाता है notice. दूसरा, अगर किसी को इनविटेशन देना हो या कोई चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो पोस्टर क्या है? इट इज ऑल इन वन. नाउ द पर्पस, द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग अ पोस्टर इज ईदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू द करंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स. अब जैसे करंट प्रॉब्लम हमारी क्या है? COVID-19. तो उसमें हम सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि उनको कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड दे शुड वेयर मास्क एंड ऑल थिंग्स. फॉर दैट ऑल्सो वी कैन क्रिएट पोस्टर्स or to advertise or even to extend public invitations and display notice as I explained. So here are main features. So the first is it should be colorful, attractive and tempting. अब आप जब poster बना रहे हो तो वो colorful होना चाहिए, attractive होना चाहिए, tempting, so that it can catch one's attention. Okay? So and the second point is title should be catchy. आपका title इतना attractive and catchy होना चाहिए कि वो किसी का अटेंशन कैच कर. नेक्स्ट, यूज स्लोगन एंड जिंगल. आप स्लोगन एंड जिंगल यूज कर सकते हो उसमें. एंड स्केच एंड सिंपल ड्राइंग. आप ड्राइंग के थ्रू भी पोस्टर क्रिएट होते हैं, उसके थ्रू भी मैसेजेस पास होते हैं. नेक्स्ट, लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. डिफरेंट साइज ऑफ लेटर्स एंड शेप यू कैन यूज. एज मैंने देखो आपको हेडिंग में लिखा है पोस्टर मेकिंग, सो यू कैन यूज डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑफ लेटर्स. प्रोपोर्शनल स्पेसिंग. अब देखो स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पोस्टर बना रहे हो तो कहाँ पे पिक्चर ड्रॉ हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए उसका. डेट एंड टाइम एज पर रिक्वायरमेंट. अगर कोई ऐसा इवेंट है या कुछ ऐसा है तो डेट एंड टाइम उसमें चाहिए होता है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन मेंशन दैट. पॉइंट वाइज पैटर्न शुड बी फॉलोड बाय राइटिंग बॉडी. अब जब आप मेन बॉडी लिख रहे हो तो उसमें पॉइंट वाइज लिखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी दिखाया है जिसमें मैंने यहाँ पे स्लोगन लिखा है. नेक्स्ट, हेडिंग सेव वाटर, उसमें पॉइंट वाइज जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है शट डैम अप यूज, तो ये ऐसे पॉइंट वाइज आप बॉडी लिख सकते हो, आप ड्रॉइंग ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे क्रिएटिव पोस्टर्स भी बना सकते हो. ओके,